हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अभीपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आई टुडे एस इज टेंथ ऑफ डिसंबर 2020 और आज हम देखेंगे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में कौन सी न्यूज़ आपको पढ़नी चाहिए दिस इज एन इनिशिएटिव ऑफ अभिमन्यु आई एस सो दैट द सीरियस एस्पिरेंट्स डू नॉट टू वेस्ट देयर प्रेशियस टाइम फाइंडिंग और रीडिंग इरेलीवेंट न्यूज इन द न्यूज कई बार सीरियस एस्पिरेंट्स को भी ये पता नहीं होता है दैट विच न्यूज आर एक्चुअली रेलिवेंट फॉर द एग्जाम बिकॉज मे बी दे आर नॉट कॉग्निजेंट ऑफ द सिलेबस दैट इज देयर इन द सिविल दिविल एग्जाम और मे बी दे एक्वायर टू मच ऑफ नॉलेज विच इज नॉट एक्चुअली रिक्वायर्ड फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सो हियर वी सॉल्व दैट डायलेमा एंड वी पॉइंट यू टू द न्यूज दैट यू शुड रीड सो दिस इज अ रीडिंग गाइड दिस इज नॉट एन एनालिसिस लेट अस स्टार्ट सो आज के न्यूज पेपर में Starting with the Hindu front page, farmers reject amendment proposals, plan to intensify stir. ab dekhiye chain mein ye ek news chal rahi hai aapko har din padhni hai What you need to keep track of is what are the amendments that the farmers are asking for. Basically, they are asking to repeal the entire laws. लेकिन उन laws में ऐसी कौन-कौन सी contentious provisions हैं, जिनका repeal वो मांग रहे हैं. और in turn, what the government is actually promising to them. जैसे गवर्नमेंट ने अभी प्रॉमिस किया है कि वो रिटर्न में देने को तैयार है दैट देयर शुड बी अ मिनिमम कैप ऑन एमएसपी दैट एमएसपी के ऊपर एक रिटर्न इंश्योरेंस सरकार देने को तैयार है सेकेंडली जो प्राइवेट मंडीज हैं उनके ऊपर मंडी सेस लगाने के लिए भी गवर्नमेंट तैयार है तो ये भी एक मेजर डिमांड थी बट वाई द फार्मर्स आर डिमांडिंग द रिपील ऑफ द एंटायर लॉज इफ द गवर्नमेंट हैज अग्रीड टू द कोर डिमांड दैट देवर आस्किंग फॉर दैट रिमेन्स टू बी सीन तो कौन कौन सी चीजें वो मांग रहे थे और कौन कौन सी चीजें गवर्नमेंट ने प्रॉमिस कर दी हैं यू शुड कीप ट्रैक ऑफ इट बट नो नीड टू नोट इट डाउन अंटिल द फाइनल अग्रीमेंट इज रीच्ड जब तक फाइनल अग्रीमेंट रीच नहीं हो जाता कि कौन कौन सी अमेंडमेंट्स होने वाली हैं तब तक ये सिर्फ एक प्रोसेस है एंड यू डोंट नीड टू नोट डाउन दिस न्यूज एवरी डे यू जस्ट नीड टू नोट डाउन द पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन एंड यू नीड टू डेवेलप योर अंडरस्टैंडिंग ओवर दोज सब्जेक्ट्स फॉर एग्जाम्पल इसमें एक इशू है मिडलमैन का जिन्हें आरती भी कहा जाता है नाउ इन टूडेज द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज पेपर जिसे हम थोड़ी देर में देखेंगे उसमें आज आरती सिस्टम के ऊपर तो इस तरह से एक ही इशू के आसपास कितने सारे सब इश्यूज़ हैं यू नीड टू अंडरस्टैंड होलिस्टिक मैनर सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज इज कैबिनेट नॉट फॉर पब्लिक वाई फाई नेटवर्कस इसके ऊपर काफी डिटेल में न्यूज है आज इंडियन एक्सप्रेस में अगेन वी विल सी इन सम मोर टाइम तो गवर्नमेंट ने यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है कि पब्लिक वाईफाई फाई जो है वो एस्टेब्लिश किए जा सकेंगे एंड फॉर दैट पर्पज इवन अ किराना शॉप और अ पान शॉप विल बी एबल टू सेट अप अ वाई फाई हॉट काफी अच्छा ये एक इंटरनेट uh, पेनिट्रेशन के लिए मेजर लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाउ दिस विल पैन आउट हाउ इट विल इम्पैक्ट डिजिटल इंडिया हाउ इट विल इम्पैक्ट द डिजिटल इंक्लूजन ऑफ पीपल दैट रिमींस टू बी सीन मतलब अच्छा स्टेप है फॉर द वाइड स्प्रेड यू कैन से फॉर स्प्रेडिंग इंटरनेट टू द लास्ट मैन स्टैंडिंग एस आई आई यानी कि सिरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड भारत बायोटेक इमरजेंसी वैक्सीन क्लियरेंस ऑन होल्ड पिछले काफी दिनों से हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया में एक प्रोसेस चल रहा है कि किसी ड्रग मेकर को वैक्सीन के लिए क्लियरेंस दी जाए या ना दी जाए तो जो भारत बायोटेक है उसने भी एमरजेंसी वैक्सीन के लिए अप्लाई किया था बट इट हैज बिन पुट ऑन होल्ड बाई द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग मोर डेटा ऑन द ट्रायल्स ताकि कोई भी कमी रहने की वजह से इसका कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ना देखने को मिल जाए सो हे दिस इशू ऑल्सो वी हैव बिन डिस्कसिंग फॉर द लास्ट फ्यू वीडियोज इसको आपको पढ़ना है देन मूविंग ऑन

जहाँ पर भी सोशल इश्यूज़ और माल न्यूट्रिशन को हम स्टडी करते हैं इनफैक्ट जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं उनमें एक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं सॉरी उसमें जो एक गोल है दैट इज जीरो हंगर दैट वी हैव टू अचीव जीरो हंगर तो उस टॉपिक के साथ आप इसे जोड़ के देख सकते हैं सो वन वे यू कैन एक्चुअली कंपाइल ऑल दीज सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इज कि आप एक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं एस हैं उसके अकॉर्डिंग और उस हर एक गोल के साथ साथ उस तरह के आर्टिकल्स या उस तरह की, की इन्फॉर्मेशन को अटैच कर सकते हैं एंड दैट विल कवर अ होल लॉट ऑफ योर सोसाइटी इकोनॉमी सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग हेल्थ एजुकेशन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर मोस्ट ऑफ द थिंग्स तो अगर आप एस को एक फ्रेमवर्क बनाएं उसके साथ आप इसको अटैच कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल जीरो हंगर का जो एस है उसमें आप इस आर्टिकल से कुछ पॉइंट्स लेकर अगर उसको वहां पर लिख दें दैट कैन बी अ रियली गुड वैल्यू एडिशन फॉर योर येन्स एज वेल एज प्रिलम्स तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑनलाइन नोट्स बना रहे हैं या आप अपने लैपटॉप पे नोट्स बना रहे हैं यू कैन मेक जस्ट सेवनटीन फोल्डर्स फॉर 17 गोल्स एंड देन यू कैन अटैच इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट एस इन दैट फोल्डर सो बाय द टाइम योर एग्जाम इज नियर यू कैन रिवाइज दोज एंड दे कैन बी यूज एनी इन जी इन एस पेपर इन एथिक्स पेपर दैट इंफॉर्मेशन इज हैंडी टू यू और यही चीज सिविल सर्विस में मैटर करती है इट डजेंट मैटर हाउ मच नॉलेज यू हैव वट मैटर्स इज हाउ यू कैन यूज दैट नॉलेज इन दाम एंड हाउ ऑर्गेनाइज दैट नॉलेज इज तो ये एक अच्छा क्राइटेरिया हो सकता है तो जब हम माल न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको जो इस आर्टिकल को देखते ही आएगी आपको लगेगाव अ फ्रेमवर्क एंड दैट फ्रेमवर्क यू कैन फाइंड आउट लाइक एस टीजी कैन बी अ गुड फ्रेमवर्क आप उन सेवनटीन गोल्स में सारी की सारी चीजों को फिट कर सकते हैं सो जस्ट देश टू यू ऑन हाउ टू ऑर्गेनाइज दीज डाइवर्स टॉपिक्स Then moving on. So, not much important news is there. Alright, page number 14. Two important news, though no IR point of view. China ties hit like never before, and Quad is US anti China game. क्वाड यानी कि द सिक्योरिटी कोआर्डिलेटर इन्वॉल्विंग इंडिया यूएस ऑस्ट्रेलिया एंड जापान तो ये चारों को मिलाकर एक कोर्डिलेटर बनाया जिसका एक मेन पर्पज है सिक्योरिटी को एनहांस करना और फ्री इंडो पैसिफिक को प्रोटेक्ट करना ऐसा माना जा रहा है कि जो क्वाड है वो एक तरह से राइजिंग चाइना को कंटेन करने के लिए बनाया गया है बिकॉज ऑल द कंट्रीज हैव सम और द अदर एंटी चाइना सेंटीमेंट और दे हैव सम राइवलरीज और यू कैन से acrimony बिटवीन them एंड चाइना तो इसलिए ऐसा को, इसको चाइना को कंटेन करने के लिए एक स्टेप माना जा रहा है तो इसमें जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका यह कहना है दैट दिस इज अ प्लॉय बाय द यूएस टू फोकस इंडियाज अटेंशन एंड टू मेक इट एंटी चाइना एंड एंटी रशिया तो ये एक इसका डायमेंशन है यू शुड नो अबाउट दिस सेकेंडली इंडिया चाइना रिलेशन पर फॉरन मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर ने कहा है दैट चाइना uh,

तो आज से करीब 4600 साल पहले अबाउट 4600 सिक्स हंड्रेडर्स बैक इंडस वैली साइट से हमें जो बर्तन मिले थे कहां से मिले हैं गढ़ी साइट में हरियाणा में राखी गढ़ी एक बहुत ही फेमस एक्सकेविशन साइट है इंडस वैली की और यहां से 2017 में जो वेसल्स मिले थे उनकी साइंटिफिक एग्जामिनेशन अभी तक चल रही है और उसमें जो है कैटर बफेरो मीट के हमें ट्रेसेस मिले हैं नाउ दिस कुड सजेस्ट दैट दोज पीपल

हिंदुइजम बीफ इज लिंक टू द कल्चर रिलीजन तो इसलिए थोड़ी सी कंटेंशियस प्रोविजन हो सकती है सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट न्यूज दैट यू हैव टू डू काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये देन नथिंग मच इंपॉर्टेंट ऑन द इकोनॉमी पेज एज वेल

एक्सप्लेन्ड पेज सो वी मूव डायरेक्टली टू दैट सबसे पहले एडिटोरियल पेज देखते हैं पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन पॉलिटी में आप इसको पढ़ सकते हैं फेडरलिज्म के ऊपर थोड़े से दो चार पॉइंट इसमें आपको अच्छे मिलेंगे जिन्हें आप फेडरलिज्म के साथ नोट कर सकते हैं दिस आर्टिकल यू कैन रीड सिमिलरली इंडियन पॉलिटी के ऊपर ही एक और छोटा सा आर्टिकल है मेकिंग अ स्पेक्टेकल तो बॉम्बे हाई कोर्ट की एक रीसेंट जजमेंट आई है इन विच इट हैज अंडरलाइन द नीड फॉर डिग्निटी फॉर अंडर ट्रायल्स अंडर ट्रायल्स की डिग्निटी के ऊपर है तो यहां पर डायरेक्टली यू कैन आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल ट्वेंटी के तहत फेयर ट्रायल स्पीडी ट्रायल एंड डिग्निटी टू द अंडर ट्रायल्स ये सारे जो हैं फ्रीडम ऑफ राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के बीच में ही आ जाते हैं सो अ डिफरेंट डायमेंशन टू आर्टिकल ट्वेंटी हैव इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल एक और आर्टिकल जो आपको करना है दैट इज द स्मार्ट आंगनबाड़ी आंगनवाड़ी सेंटर्स को रिफॉर्म करने के लिए यानी कि एजुकेशन को हेल्थ को रिफॉर्म करने के लिए किस तरह से क्या क्या किया जा सकता है और क्या क्या किया जा चुका है अ गुड रिपोर्ट ऑन ऑल दैट तो जैसा कि मैंने आपको बताया अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को एक तरह से एक स्ट्रक्चर बनाते हैं दैट यू हैव सेवनटीन गोल्स देन ऑल द डिफरेंट थिंग्स लाइक एनर्जी सिक्योरिटी हेल्थ एजुकेशन ये सब कुछ उसमें फिट इन कर सकते हैं लाइक हेयर दर इज एन आर्टिकल ऑन आंगनवाड़ी तो आंगनवाड़ी यानी कि हेल्थ या एजुकेशन में जो भी यहां से ऐड होगा उसे आप एस डी जी के उस फ्रेमवर्क में ऐड कर सकते हैं सो जस्ट अ सजेशन टू यू दैट यू कैन स्ट्रक्चर योर प्रेपरेशन इन दिस वे नाउ फाइनली वी मूव टू एक्सप्लेन पेज विच इज पेज नंबर ट्वेंटी तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड यहां पर हाउ दे प्लेक्स एंड इंपॉर्टेंट रोल इन द एग्रीकल्चर इकॉनमी कहीं कोई सिस्टम के बारे में पता नहीं होगा दिस आर्टिकल इज फॉर यू यह भी एक कंटेंशन है न्यू फॉर्म बिल्स में कमीशन एजेंट का रोल क्या रहेगा इन द चेंजन तो वो कमीशन एजेंट्स क्या होते हैं किस तरह से वो रोल प्ले करते हैं हाउ दे ब्रिज द गैप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड फार्मर्स वो सारा कुछ इसमें एक्सप्लेन्ड है सो दिस आर्टिकल यू हैव टू रीड राइट सो दिस वॉज ऑल अबाउट द न्यूज दैट यू हैव टू रीड इन दीज टू न्यूज पेपर्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे